हाय जी, एक छोटा सा मैं वीडियो कह लीजिए, अपडेट कह लीजिए। देखिए, मैं बहुत खुल के हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि हर यूट्यूबर कह लीजिए का मकसद अलग होता है। मैं जो कि एक कॉमन नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, स्पेशली फॉर MBBS इंडिया और अदर सेगमेंट्स ऑल्सो, ताकि आप लोग फ्रॉस्टर्स के हाथ में ना फंसें, गलत डिसीजन ना ले लें, राइट। और चूँकि मैं एक वीडियो से बार बार नहीं बताता, मेरे पास समय नहीं है, तो आप लोगों को शायद यूज़ करना नहीं आता। लेकिन अगर आप यूट्यूब में एक बार मेरे चैनल की होम पेज पर पहुँच जाएंगे ग्लोबल नॉलेज वर्क के, और फिर उसमें जो सर्च आती है ना, और अच्छे से कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे, तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने लास्ट ईयर 2021 या 20 में डाले होंगे, जो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। अगर वो लॉजिक चेंज हो जाएगा तो मैं वीडियो दोबारा डाल दूंगा। तो आप चैनल को सर्च करके आदत डालिए, आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंडिया काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, डीम्ड और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मुझे शायद वो 2500-5000 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। आज जब सुबह कॉल आई, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। मैंने यही कहा, मैंने कहा सर आप रहने दो, अगर आपको यही पूछ रहे हैं ना, मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजो, मैं आपको चैनल के 4 वीडियो भेजता हूँ, आपको सब पता चल जाएगा कि इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती है। तो स्पेशली इंडिया में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, ट्रांसपेरेंटली कैसे होती है, साइड गेट बैक गेट का भी जो एंट्री है उसका लॉजिक क्या है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती है, वो सब मैंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन करा है, बहुत सिंपल वीडियोस बनाए हैं। और ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलती है, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या फ़र्क होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वर्सेज स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस कैसे होते हैं, अगर हम MBBS इंडिया की बात करें, सिमिलरली हम जितना ही प्रोड्स करते हैं MBBS अब्रॉड की बात करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल बताई गई हैं, सब मैंने बहुत खुल के क्लियरली बताया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि आप शायद चैनल पे भी पहले ना वीडियोस देख लीजिए, सर्च कीजिए। और क्योंकि आई एम ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो हम जो हैश टैगिंग करते हैं, 3 टैग डालने होते हैं, बहुत अच्छे से डालते हैं। तो जैसे आपको अगर MBBS कर्नाटक का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चैनल के अंदर जाके MBBS इन कर्नाटक का ढूंढेंगे, तो आपको अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। या MBBS इन इंडिया में, जेनरिक इंडिया में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, ये आप सिंपल ब्राउज करेंगे चैनल में जाके वीडियोस में। और जैसे मैंने कहा ना, मैं रोज 5 वीडियो नहीं डालता, जब से 2023 का MBBS सीज़न स्टार्ट हुआ है, मैंने गिन के शायद 10-12-15 वीडियो डाले होंगे। तो 15 वीडियो तो आप ऊपर से आपको टाइटल नज़र आ जाएगा। और अभी तक चूंकि कोई कट ऑफ वगैरह नहीं निकली है, मेरा वो बिल्कुल मानना नहीं है कि मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको बताऊँ, 2 साल पुराने की कट ऑफ बताऊँ, जो कुछ और काउंसलर्स करते हैं, और बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो एक जनरिक इन्फॉर्मेशन है, जो हर एक इंसान के काम की है, ताकि जो मैं बार बार कहता हूँ, फ्रॉडर्स के हाथ में ना पड़ें, आप गलत डिसीजन ना लें, राइट। काम आप मुझसे कराएं, किसी और से कराएं, लेकिन अच्छे काउंसलर से कराएं, जेन्युइन काउंसलर से कराएं, और यू कैन फिगर इट आउट इजीली। तो आपको मेरे चैनल में ना वीडियोस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, लिमिटेड वीडियोस होंगे, हमेशा क्वालिटी वाले होंगे, और हमेशा वो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको हेल्प करेगी, चाहे आप किसी और काउंसलर के साथ भी डील कर रहे हैं। तो वीडियोस पर एक बार नज़र मार लीजिए, आराम से देख लीजिए, और शायद आपको कुछ आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं फीस भर के, जो आपको भरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर वो उसके आंसर सब मिल जाएंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि 10-10 मिनट के मैं 6 वीडियो देखूं, उससे अच्छा सर से मैं 5 मिनट बात कर लूं, मोस्ट वेलकम। लेकिन तसल्ली से अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। शायद मेरी आदत नहीं है हर वीडियो में बोलने की, बट यू शुड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल दैट, क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो भी हमें नया वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को भी फ़ायदा हो, और वो फ्रॉस्टर्स के हाथ में ना पड़े, वो गलत डिसीजन ना लें, तो ज़रूर आप मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखिए, ब्राउज करके भी देख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई हज़ारों वीडियोस डालता ही नहीं हूँ कि हर रोज़ मैं आप लोगों को बोर करूँ या परेशान करूँ। वो तो हमारा काम है एज ए पेड काउंसलर, कि आपकी प्रॉब्लम को कम से कम करना, राइट। अगर सभी कुछ आपको बता देंगे और हर रोज़ आपको 10-10 वीडियो देंगे, और आपके पास अगर 2 घंटे रोज़ होते वीडियो सुनने के, तो शायद आपको पेड काउंसलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम कुछ रॉकेट साइंस थोड़ा कर रहे हैं, हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों का ये काम नहीं है। आप लोग सीखोगे, जितना टाइम आपको लगेगा सीखने में और ठीक से करने में, उससे सस्ता पड़ता है कि आप 40-50-60 हज़ार रुपये फीस भर दो, राइट। जैसे एज ए काउंसलर हम बिज़नेस भी करते हैं ना, तो अपने अकाउंट्स मैनेज करने के लिए हम CA रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं। क्या मैं खुद अपने अकाउंट्स नहीं बना सकता? बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसको सीखने में समय लगाऊँ या अपने इस काम में समय लगाऊँ? तो सिमिलरली आप में से कई लोग हैं जो खुद एक डॉक्टर हैं, खुद एक टीचर हैं, खुद एक फैक्ट्री चलाते हैं, बिज़नेस करते हैं। आप अगर अपना समय उस चीज़ में लगाएंगे, तो शायद आप अपने उस बिज़नेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन काउंसलर के 40-50 हज़ार रुपये बचाने के लिए
आप अगर वहाँ टाइम कम लगा रहे हैं तो शायद आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किस काउंसलर को हायर करना है ये जानना ज़रूरी है, और शायद मेरे इस चैनल पे आपको वो नॉलेज ज़्यादा मिलेगी जिससे आप सही डिसीजन ले सकें, राइट। तो वह चैनल के वीडियोस को ब्राउज करोगे ना, सिर्फ पेज डाउन करते जाओगे तो टाइटल्स को भी आपको देख के लगेगा कि ये वीडियोस आपके काम के हैं। और ख़ासकर MBBS इंडिया की बात करूँ तो इस साल की सिर्फ वीडियोज़ पर आप नज़र मार लोगे तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कुछ वीडियोज़ में वाइट बोर्ड पर खड़े होकर बनाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल ही ख़ास वीडियो हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि MBBS इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। ओके, तो ये बस आपके भले के लिए मैंने डाला कि वीडियोस को आप देख लोगे तो शायद आपको कभी कभार वो कॉल, क्योंकि मुझे खुद ही बुरा लगता है कि आप जो पूछ रहे हो, मैं कह सर वो तो सब चैनल मैंने डाल रखा था, इसके लिए आपने मेरी फ़ीस भी क्यों पे करी, राइट। और हाँ, वो खुद ही कहते हैं सर इतना टाइम नहीं है, तो देन वेल एंड गुड। बट आप में से लोग जो बिल्कुल खाली बैठे हैं घर में और जिनके पास कुछ और काम नहीं है, उनको लगता है कि हम खुद ही MBBS इंडिया काउंसलर बन जाएंगे, सुबह शाम 4-4 घंटे यूट्यूब वीडियो देखें, तो आप चैनल की वीडियोस देख लीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन सेव योर 30-40-50,000 अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है। पर ये भी मेरी सलाह है कि जिसके पास और कुछ काम, बिजनेस, जॉब है, इट इज़ बेटर कि आप उस पर फोकस कीजिए, और ये जो स्पेशलिटी का काम है ये हमें करने दीजिए जो एक्सपर्ट है। हाँ, बट सही एक्सपर्ट ढूंढना भी आपकी जिम्मेवारी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हमारा नंबर 9643362320 आपको पता ही चल गया अब तक।